नमस्ते मित्रों, आशा करती हूँ कि सब कुशल मंगल है। दोस्तों, आज हम एनटीएससी की परीक्षा के एक बहुत ही सरल विषय के बारे में पढ़ेंगे, जो है कोडिंग डिकोडिंग या संकेतीकरण और गुणवाचन करना। तो साथियों, इस विषय के प्रश्नों को सुलझाने के लिए आपको अंग्रेजी का अल्फाबेट जानना जरूरी है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप सबसे पहले अंग्रेजी का अल्फाबेट अच्छे से पढ़ लें और उसे याद कर लें। तो अगर आपने अंग्रेजी का अल्फाबेट पढ़ लिया है तो हम पहला प्रश्न सुलझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जी ओ को एफ एन एच पी कोड किया जाता है तो उसी भाषा में एस यू एन को कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट लिख दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जी को ढूंढते हैं पहले। तो जी जो है हमें यहाँ पे मिलता है, और जी से पहले एफ मिलेगा हमें, और यहाँ पे एच मिलेगा। अब हम एफ एन एच पी को देखेंगे तो एफ यहाँ है, एच यहाँ है, और एन और पी हमारे यहाँ है, और इनके बीच में हमें ओ मिलेगा। तो हमने कुछ ऐसे किया है कि यहाँ पे जी लिखा है, यहाँ पे ओ है, उसके बाद एफ यहाँ पे आ रहा है हमारा, एच यहाँ पे आ रहा है, एन हमारा यहाँ आ रहा है, और पी जो है इधर आएगा। तो ये हमारा एफ एन एच पी बनेगा। तो ऐसे ही हम उत्तर ढूंढेंगे। हम पहले एस यू और एन को देखते हैं। तो एस जो है हमारा वो यहाँ पे है, उससे पहले आर आता है और बाद में टी आता है। तो हम एस को यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ पे आर लिखेंगे और यहाँ पे टी लिखेंगे। उसके बाद हम यू को देखते हैं, तो यू यहाँ है हमारा, उससे पहले हमारा टी आ रहा है, बाद में वी आ रहा है। तो हम यू यहाँ लिखेंगे और टी और वी को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा N है, N यहाँ है, और उससे पहले M आएगा, बाद में O आएगा। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे N, फिर M, फिर O। तो हम देख सकते हैं कि R T T V M O, ये जो है हमें उत्तर D में मिल रहा है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो D होगा। तो हम अब इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें ये कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिट दर ना का अर्थ है यू आर गुड, दर टोक पा का अर्थ है गुड एंड बैड, और टिम ना टोक का अर्थ है दे आर बैड। तो प्रश्न कहता है कि इसी भाषा में दे शब्द का क्या अर्थ होगा। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहला वाला और दूसरा वाला देखेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये डर शब्द है ये हमें दोनों में मिलेगा, और यहीं पे हम देखेंगे कि जो गुड शब्द है ये भी हमें दोनों में मिल रहा है। तो जो गुड होगा उसका अर्थ हमें डर मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहला वाला और तीसरा वाला देखेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पहले और तीसरे में ना और ना शब्द मिलता है, और यहाँ पे जो आर और आर शब्द हैं ये मिलते हैं हमें। तो R का जो अर्थ होगा वो ना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब बैड का अर्थ ढूंढेंगे। इसके लिए हम दूसरा और तीसरा देखते हैं। तो दूसरे और तीसरे में ये टॉक शब्द जो हैं ये हमारे हमें मिलेंगे, और यहाँ पे बैड और बैड है, तो बैड का अर्थ टॉक होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें R का अर्थ पता है और बैड का अर्थ पता है। तो अब हमें जब ये मिल गए हैं तो हम देख सकते हैं कि जो दे होगा वो टिम होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं दे टिम होगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सी टिम। उसके बाद अगर आपको यू और एंड का अर्थ ढूंढना है तो वो भी हम कुछ इसी प्रकार ढूंढेंगे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बैड शब्द का तात्पर्य क्या है। तो जैसा हमने पिछले प्रश्न में देखा था हमें कुछ इस प्रकार मिले थे, तो यहाँ पे बैड हमारा टॉक है, तो टॉक हमारा बी उत्तर होगा। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न चार को देखते हैं।
इसमें ये कहते हैं कि यदि किसी कोड भाषा में 1 5 7 या 1 5 7 का अर्थ है मदर ऑलवेज लवेबल, 6 1 9 का अर्थ है ऑलवेज हैप्पी फ्यूचर, तथा 9 5 2 का अर्थ है मदर वेरी हैप्पी, तो इसी कोड भाषा में फ्यूचर का कोड क्या है? तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, ऑलवेज का अर्थ देखा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, और पहले और दूसरे जो हमारे पास वाक्य हैं उसमें ऑलवेज जो है हमें मिलेंगे, तो ऑलवेज का अर्थ एक आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हैप्पी है वो हमारे पास नो आता है, तो ये कैसे आता है? अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास हैप्पी इस वाले वाक्य में है और इस वाले वाक्य में है, और यहाँ पे हमें जो नो है वो हमारा मिलेगा, तो हैप्पी इसलिए हमारा नो आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर हमारा 6 आएगा। अब ये कैसे आएगा, अगर हमें ऑलवेज और हैप्पी का मतलब पता है तो हमारे पास सिर्फ जो बचता है वो होता है 6, और यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर बचता है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बी 6। तो चलिए अब हम अपना पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें यदि ए के एल एम जे को हम 5 1 9 8 6 लिखेंगे, एस पी ओ जेड को हम 7 2 9 4 लिखेंगे, तो प्रश्न पूछता है कि हम के एम जे ओ जेड पी ए को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ए के एल एम जे को एक सीधी रेखा में लिख देंगे और उसके सामने उसका कोड लिखेंगे जो है 5 1 9 8 6, तो उससे हमें ये सारे जो अक्षर हैं इनकी जो वैल्यू है वो मिलेगी। वैसे ही हम एस पी ओ जेड के साथ करेंगे तो हमें 7 2 9 4 ऐसे मिल जाएगा। अब चलिए हम उत्तर ढूंढते हैं। तो जो हमारा के है वो हमारा जो है एक है, तो एक हमारे सारे ऑप्शंस में है, तो इससे हमें नहीं पता चलेगा कि क्या उत्तर है। अगर हम एम देखें तो एम हमारा 8 है, ये भी सारे ऑप्शन में आता है, तो इससे भी हमें कुछ पता नहीं चलता। फिर जो जे है, जे 6 आता है और ये भी सारे ऑप्शंस में है, तो हमें कुछ पता नहीं चला अभी तक। उसके बाद हम देखते हैं कि ओ, ओ जो है हमारा 9 है, और 9 हमारे से पहले 3 ऑप्शंस में है, तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम Z देखते हैं, तो Z की जो वैल्यू है वो 4 है, और 4 हमारे पहले 2 में है, तो जो 3 होगा वो भी उत्तर नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि जो P है, P की वैल्यू 2 है, और 2 हमारे से दूसरे ऑप्शन में आता है, तो पहला ऑप्शन भी चला गया, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 2। अब हमारा जो छठा प्रश्न है ये कहता है कि एक निश्चित कोड में ब्लैक इज वाइट लिखा जाता है जा के मो, वाइट आर ग्रीन को के यू पी लिखते हैं, ग्रीन इज येल्लो को मो पे एम जे के रूप में लिखा जाता है। तो ये कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न है आर ग्रे ब्लैक किस रूप में कोडित है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्लैक इज वाइट जे ए के ई एम ओ ऐसे सब लिखा जा रहा है, तो चलिए अब हम ढूंढते हैं। तो यहाँ पे पहले में वाइट और वाइट है, और यहाँ पे इसका कोड देखेंगे तो इसमें जो ये के शब्द है के ई ये हमें मिलेगा, तो हमारे पास जो है वाइट की वैल्यू के ई आएगी। उसके बाद अगर हम दूसरा और तीसरा देखें तो इसमें ग्रीन ग्रीन मिलेगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पे शब्द है पी ई ये कॉमन है, तो हमारा ग्रीन जो है वो पी ई होगा। उसके बाद जो पहला है और तीसरा है इसमें इज कॉमन है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एम ओ मिलेगा, तो जो इज है वो हमारा एम ओ होता है। तब ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारा उत्तर, तो ये कहते हैं कि आर। अब जो आर है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ R बचता है, वो यू ई बचता है, तो R जो है हमारा वो यू ई होगा, तो वो हमें
बी उत्तर में मिलेगा बस, तो हमारा उत्तर वैसे ही बी हो जाना चाहिए। पर अगर हम और देखना चाहें तो जो ब्लैक है, ब्लैक हमारे जो पहले सेंटेंस में है या वाक्य में, वो जा है, और जा जो है वो भी हमें बी में मिलता है, तो हम उसको लिख सकते हैं आर को यू ई और ब्लैक को जे ए। अब जो ग्रे है, ग्रे हमें यहाँ पे नहीं दिया है बट हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, तो उसी से हमारा जो उत्तर है वो बी आ जाएगा। मित्रों, इस सेक्शन में हम आपकी वोकैबुलरी या शब्दावली को बढ़ाने की सहायता करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है इस वीडियो में कि मैंने जो भी शब्दों को यूज़ किया है या जिन भी शब्दों का उपयोग किया है, मैंने उनका अर्थ यहाँ लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो होता है विकल्प। कोड जो होता है वो संकेत लिपि होती है। सेम जो होता है उसका अर्थ समान होता है। सेंटेंस को हम वाक्य कहते हैं, और कॉमन जो है उसका अर्थ सामान्य या समान होता है। तो कॉमन और सेम एक जैसे शब्द। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।